हेलो क्लास, आज हम आपका कंप्यूटर की बुक नेटवर्क कंप्यूटर में से आपका चैप्टर सेकंड पैराफेरल डिवाइस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर हो गया था, उसकी एक्टिविटीज़ आपको दी गई थी। अपना होमवर्क एंड नोटबुक मेंटेन करके रखेंगे और आज हम अपना सेकंड चैप्टर, नाम है पैराफेरल डिवाइस, शुरू करेंगे। पैराफेरल क्या होता है? मतलब सपोर्टिव डिवाइस। यहाँ पर हम पैराफेरल का मतलब लेंगे कनेक्टिव डिवाइसेस, मतलब कंप्यूटर के साथ और बहुत ऐसे डिवाइसेस हैं जो उनके साथ जुड़े रहकर कंप्यूटर को पूरा करते हैं। तो वो जो साथ जुड़े रहने वाले जो डिवाइसेस होते हैं, जो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, उनको पैराफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर यू यूज़ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस व्हाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर और प्लेइंग गेम ऑन इट। अब जैसे हम सब जानते हैं, कंप्यूटर एक मल्टीटास्क मशीन है, तो उस पर गेम्स भी खेल सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, काम करते करते बहुत कुछ ऐसे काम हैं जो हम उस पर कर सकते हैं। आई नो यू लिसन टू द सॉन्ग एंड ऑल्सो वॉच मूवी लोडेड इन इट। अब ये भी हम जानते हैं कि उसमें जो मूवी हम इंस्टॉल करते हैं या मूवी उसमें जो होती है, वो भी हम कंप्यूटर में देख सकते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेज वी यूज़, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्पीकर एट्सेट्रा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कंप्यूटर के साथ में बहुत ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्ट रहते हैं। जैसे एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, तो ये सब इसके साथ कनेक्ट रहते हैं ना, जिसके सपोर्ट से हम अपना कंप्यूटर को पूरा कर पाते हैं, अपना काम पूरा कर पाते हैं। इनमें से कुछ डिवाइसेस इनपुट होते हैं, कुछ डिवाइसेस आउटपुट होते हैं, पर इन सब की हेल्प से ही हम अपना काम कर पाते हैं। ऑल दीज पेराफेरल डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। जैसे मैंने आपको भी बताया, कुछ डिवाइसेज इनपुट डिवाइस होते हैं जिससे हम कमांड उसमें कंप्यूटर को दे पाते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं जिससे हम जो दिए गए कमांड को का रिजल्ट ले पाते हैं। दीज आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू दैट वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन एंड रिसीव आंसर। अभी मैंने आपको जैसे बताया, ये उससे कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं जिससे हम इसमें इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं और दिए गए इंस्ट्रक्शंस का आंसर्स को ले पाते हैं। ओके, अब आगे है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, कमांड दे पाते हैं, डाटा दे पाते हैं? तो पढ़ते हैं, द डिवाइसेस विच आर यूज टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जैसे जो डिवाइसेस कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स देने के लिए यूज़ में आते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस कैन बी यूज्ड विद द कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू एंटर इन द कंप्यूटर। अब आप किस तरीके का डाटा कोई ऐसे तो नहीं है खाली न्यूमेरिकल हो सकता है, नंबर के रूप में हो सकता है, या फिर कोई लिखने के रूप में हो सकता है। डाटा किसी भी तरीके का हो सकता है, बोलकर, आपका साउंड की को देकर भी आप उसमें कुछ इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत तरीके के डाटा होते हैं जिसके रूप में जो कंप्यूटर को हम दे पाते हैं। तो वो सारे डिवाइसेस जिसको हम यूज़ कर उसमें कमांड कर पाते हैं कंप्यूटर को, तो वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस के, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन एट्सेट्रा। तो हम वन बाय वन कर इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सब ने नहीं देखा तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है कीबोर्ड का। ये देखिए ऐसे होता है, इसमें ये सब बटन्स होते हैं जिसमें ए टू जेड आपका अल्फ़ाबेट लिखा होता है, 1 to 0 नंबर्स होते हैं और सपोर्टिव कीज़ होते हैं जिनके थ्रू हम कमांड्स या कंप्यूटर का फंक्शंस ईजी कर पाते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, आइए पढ़ते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इन टू द कंप्यूटर। ये बहुत कॉमन है, कॉमनली आप हर जगह देखते हैं, जहाँ कंप्यूटर होगा वहाँ कीबोर्ड होगा। और ये किस कैसे यूज़ में आता है, क्यों यूज़ में आता है? कंप्यूटर में डाटा इंस्ट्रक्ट करने के लिए डायरेक्टली। देर आर 104 बटन्स ऑन द कीबोर्ड विच आर कॉल्ड कीज़। अब जैसे कि ये कीबोर्ड का पिक्चर देख रहे हैं, इनमें जितने भी ये जो बटन्स होते हैं, ये 104 बटन्स होते हैं टोटल, और इनको हम क्या बोलते हैं, कीज़ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है माउस।
माउस इज़ अनदर इनपुट डिवाइस विच इज़ कॉमनली फाउंड कनेक्टेड विद द कंप्यूटर. जैसे कीबोर्ड बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस है, बेसिक इनपुट डिवाइस है, वैसे माउस भी एक बेसिक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के साथ हमेशा जुड़ा हुआ पाया जाता है. इट इज़ बेसिक विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट एंड क्लिक. अगर आपने कभी माउस देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में दिखाएंगे वीडियो बनाकर. तो अगर आपने वैसे नहीं देखा होगा तो हम दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने कहीं देखा होगा तो देखेंगे माउस जैसे जैसे हम मूव करता है तो उसमें वहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको एक पॉइंटर होता है एक एरो के रूप में, वो भी आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा. तो ये पॉइंटिंग डिवाइस इसीलिए कहलाया जाता है क्योंकि हम जैसे जैसे मूव करते हैं माउस को, वैसे वैसे वो कर्सर भी मूव होता है. वो पॉइंट को हम कर्सर बोलते हैं जो मूव करता है. ओके. और ये इससे हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो इसीलिए ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. व्हेन द माउस इज मूव्ड ऑन द माउस पैड अ लाइट बीम अंडरनीथ रिफ्लेक्ट टू गिव मोशन टू द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. अब जैसे जैसे आप माउस को मूव करते हैं वैसे वैसे वो कर्सर भी मूव होता है और उसके नीचे, माउस के नीचे आपको हल्की सी लाइट का रिफ्लेक्शन भी आता है जब आप उस पर मूवमेंट देते हैं माउस को. To give motion to the point, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंटर होगा वो भी मूव करेगा. द माउस इज़ यूज इन द विंडो और विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम वेयर द यूज़र कैन रन द कमांड्स बाय पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड क्लिकिंग द बटन ऑन द माउस. अब जैसे मैंने बताया क्लिक करने के, पॉइंट करने के माउस काम में आता है. तो माउस आपकी विंडो जो आपके मॉनिटर पे जो इंस्टॉल की जाती है उसको विंडो कहते हैं. विंडो प्रोग्राम बेस्ड होते हैं, उनको रन करने के, उनको चलाने के, उनको कमांड करने के, किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के, सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ माउस फॉर ड्राइंग इन अ पेंट विद किट पिक्स. अगर आपने कंप्यूटर में किया होगा पेंट वगैरह तो उसके लिए भी माउस का यूज़ किया जाता है. ओके. अब यहाँ पे थ्री डिफरेंट टाइप के माउस होते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे आगे हम पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट माउस दीज डे इंक्लूड अ व्हील इन द मिडल ऑफ टू बटन्स दैट हेल्प अस टू स्क्रॉल थ्रू डॉक्यूमेंट्स मोर इजीली. अब अगर आपने लेटेस्टली मोबाइल अभी कोई दिनों में देखा होगा, लेटेस्ट मोबाइल सॉरी माउस देखा होगा तो आप देखेंगे कि उनके दो बटन्स के बीच में एक छोटा सा व्हील होता है, छोटा सा एक पहिया होता है जिसको आप मूव करेंगे तो वो आपकी जो विंडो की स्क्रीन है वो अप एंड डाउन होगी, जिसे हम स्क्रॉल कहते हैं. डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी, अगर आपने कुछ खोल रखा है पेज तो वो अप एंड डाउन ईजिली होता है जैसे जैसे अगर आप मूव को ऊपर नीचे मूव करते हैं. वी यूज़ अवर फोर फिंगर फॉर मूव द व्हील. फोर फिंगर मतलब हम अपनी मिडिल फिंगर, जो आपके हैंड में मिडिल फिंगर होता है, उसको हम यूज़ कर उस व्हील को घुमाते हैं और हम जो डॉक्यूमेंट होता है उसे ऊपर और नीचे स्क्रॉल करते हैं. अब यहाँ पे तीन तरीके के माउस है, स्क्रॉल माउस, ऑप्टिकल माउस, कोर्डलेस माउस. स्क्रॉल माउस हमने पढ़ा जिसके अंदर व्हील होता है. ऑप्टिकल माउस क्या है? ऑप्टिकल माउस यूज्ड रेड लाइट टू कंप्यूटर स्क्रीन. अब इसमें एक रेड लाइट होती है जिसके लेज़र लाइट होती है एक तरीके से बेसिकली इस माउस के अंदर, जिसमें जो मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है. अगर रेड लाइट के थ्रू ये मूवमेंट करता है और उसी जब ये माउस मूव करता है तो तब वो स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर भी मूव करता है. दिस टाइप ऑफ माउस इज़ मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल देन द ट्रेडिशनल माउस. मोस्ट ऑफ द माउसेज जो आज के इस टाइम पर यूज़ होते हैं वो यही ऑप्टिकल माउस होते हैं. अब उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो हमारे थर्ड है, कोर्डलेस माउस. नाउ डेज कोर्डलेस माउस इज़ अ वेरी पॉपुलर. इट डज़ नॉट हैव वायर्स. अब ये क्या है, ये कंप्यूटर से कैसे जुड़े रहते हैं? वायर्स के थ्रू जुड़े रहते हैं. लेकिन अब क्या है, वायरलेस माउस भी आ चुके हैं जिसके थ्रू विदाउट किसी वायर के हेल्प से उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कंप्यूटर से. इट आइदर यूज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू सेंड द डाटा थ्रू द एयर टू रिसीव, यूजली प्लग इन अ USB पॉट टू द कंप्यूटर. अब इसमें क्या है, एक छोटा सा USB पॉट होता है. अगर आप इसमें पिक्चर में देखेंगे, ये देखिए एक छोटा सा USB पॉट होता है जिसे आप कंप्यूटर के अंदर लगा देंगे और ब्लूटूथ या फिर ब्लूटूथ से अगर माउस को कनेक्ट कर देंगे तो वो आपके कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से ले पाएगा. तो ये हमारे माउस के बारे में हमने पढ़ा, कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा और इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा. ये हमने आज दो टॉपिक
क्लियर किए हैं, इसे आप रिवाइज करेंगे और अच्छे से रीड आउट करेंगे। थैंक यू।